ज़्यादा थोड़ी तैयारी कर लीजिए। हम तैयारी कर रहे हैं इस वक्त जीतने की, तो लच के जीतने की दे रहे हैं हमें, बस हमारे फैंस जल्दी ही हमें देखें। कुछ चीज़ें मुझे रखनी, हो सकता है कलर्स चैनल हमेशा मेरे लिए बहुत क्लोज रहा है, उत्तरण मेरे लिए बहुत क्लोज रहा है। इट्स बीन वेरी स्पेशल दैट दिस चैनल हैज ऑलवेज, हमेशा इस चैनल ने दर्शकों को कई चीज़ें नहीं दी है और हमेशा सभी फैंस का मनोरंजन करते रहा है नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए फेसेस के साथ। मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि कलर्स ने, कलर्स के हर साल पूरे होते ही मैं इस फंक्शन में रहता हूँ। And it's an honor for me that I've been a part of Colors, and I would be it would be an honor to be a part of it every time they call me. मैंने किसी के साथ कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कौन सा कलर पहना। आई जस्ट फील ब्लैक इज अ कलर विच कैन नेवर गो रॉन्ग, सो ब्लैक इज द आउटफिट फॉर द पार्टी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर कलर्स, कलर्स हैज ऑलवेज बीन विथ मी थ्रू माई थिक एंड थिन, एंड आई हैव ऑल्सो बीन विद देम इन देयर थिक एंड थिन, सो आई हैड टू बी हियर टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड हैव अ गुड टाइम विद देम। वेल बलि मैं ढूंढ नहीं रही हूँ, जब उसे आना होगा किचन में आ जाएगा। आई एम नॉट लुकिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ आई स्टार्ट लुकिंग फॉर हिम आई एम स्केयर्ड दैट आई विल स्टार्ट लुकिंग, आई विल एंड अप बीइंग विद द रॉन्ग गाय, सो इट्स बेटर जब उसको सामने आना है वो आ जाएगा। वेल लीव्स तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, द शो इज डूइंग वेल तो आगे जाके लीव तो आएगा, इट्स एक्चुअली अ वेरी नॉर्मल एंड ऑब्वियस थिंग टू हैपन। हाँ आई थिंक मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकती, बिकॉज एवरी शो इज डिफरेंट, एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट एंड द ग्रोथ ऑफ एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम शो टू शो एंड कैरेक्टर टू कैरेक्टर। नो I am looking forward in my life, मैं पीछे नहीं देखती। थैंक यू।
like I said, I love making movies. I love the process of cinema. Sorry? होते हैं जो नाराजगी पैदा करती है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज समबडी हु इज सोशली इन्वॉल्व एंड इज इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग. देयर बाउंड टू बी इनफ रीजंस टू गेट अपसेट व्हेन देयर आर पीपल एंड थिंग्स सेड ऑन दैट. यू नो, वॉइसिंग एन ओपिनियन एंड हैविंग वन इज नॉट अ बैड थिंग. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस कलर्स की इनविटेशन भी ब्लैक है तो मैंने सोचा लेट मी गो अकॉर्डिंग टू द इनवाइट. आई कांट हियर यू. क्या कहूंगी इनके बारे में? इनके बारे में बस इतना ही कहूंगी कि दे हैव बीन द बेस्ट फैमिली एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी इन देयर फैमिली फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम होपफुली. हेलो सुमित, हाउ आर यू? थैंक यू. कुछ भी नहीं करती, सीरियसली आप लोगों का प्यार है ना. और मैं डे नाइट नहीं काम करती ना, तो इसके लिए फ्रेश. जब भी कुछ इंटरेस्टिंग मेरे लाइफ होगा तब. नो आइडिया. मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं. मैं तो सब कर चुकी हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव कॉमेडी और क्या करूँ. रियलिटी भी कर चुकी हूँ, जेल में भी कैद रह चुकी हूँ. और बताएं. नहीं 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 नहीं, बस गेस वर्क होता है. आई हैव नो आइडिया. Oh God, I have no idea. Both are different in their own ways and both are good in their own ways. ये तो कुछ अलग ही नाम आ गया है. I have never thought. But whoever hosts it, it could be a good show. थोड़ी देर में यहाँ से पलट के चली जाए. थोड़ा और सही. रंग तो हम अपने दिखाएंगे ना. मुझे नहीं पता दूसरे लोग क्या रंग पहने. मैं अपने ब्लैक क्यों पहना? मेरे हस्बैंड ब्लैक पहन रहे थे, बस सिंपल. मेरे हस्बैंड इसलिए ब्लैक पहन रहे कि 2-4 किलो कम लगता है ना वो पहनने से, इसलिए.
कलर्स के परिवार का हिस्सा तो सचिन जी है, तो वो बताएंगे हाउ इट फील्स लाइक कलर्स ने मुझे तो कोई शो ऑफ नहीं किया। कंप्लेंट क्या कहेंगे? पहले इनसे पूछेंगे, फिर जब ये जवाब नहीं देगी तो मैं बताऊंगा। यार मजेदार ही होता है पूरे परिवार में आना। अब इतने सारे आर्टिस्ट हैं, पहले सेट में मिलते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे डेकोरम में रह के, डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ता है। यहाँ थोड़ी मजाक मस्ती होगी।